अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद हाजिर हूँ। ज़िंदगी में बहुत सी मसरूफियत ऐसी होती हैं जो आपको आपके शौकों से भी दूर लेके चली जाती हैं। खैर, ये बात है रवां साल की 2021 की, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड तो कर पाया था लेकिन इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका था। तो खैर, अब मेरे पास टाइम है तो आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। तो ये बात है 2021 अक्टूबर के महीने की, जब हम लोग 23 तारीख को अपने घर से कामों के रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के लिए निकले। इसके दौरान हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत चीज़ों को भी देखा। इसी के साथ अगर बात की जाए सफ़र की, तो हम लोगों ने सफ़र अपने घर से तकरीबन 1:30 बजे शुरू किया, क्योंकि कामों के रेलवे स्टेशन पर बाकी तमाम ट्रेनें जो थीं वो शाम की मौजूद थीं, जिनके ऊपर हमने रेल फैनिंग करनी थी, और इसी के साथ साथ कुछ ट्रेनें इस दिन लेट भी थीं। फिर तुरंत एक कोक का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में इसके अलावा आपको कोई और बेहतरीन हल नहीं मिल सकता। फिर इसी के साथ हम लोग जल्दी रिंग रोड पर पहुँचे और रिंग रोड पर अपना सफ़र जारी रखा। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा रिंग रोड के बारे में ये बताता चलूँ कि यहाँ पर शदीद मुश्किल ड्राइविंग होती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक आपको कभी भी मार सकते हैं। इसलिए आप अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत कीजिए और खुदारा इसके ऊपर स्लो ड्राइविंग किया करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट का ज़िम्मेदार कोई नहीं होता, बंदा जो करता है अपनी ज़िम्मेदारी पर ही करता है। फिर इसके बाद जल्दी हम लोगों ने दरियाए रावी का पुल भी पार किया। उन दिनों यहाँ पर पानी की सतह थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन आजकल अगर आप दरियाए रावी को जाकर देखें तो आजकल भी पानी की सतह ज़्यादा ही है, क्योंकि आजकल मानसून की बारिशें बहुत शिद्दत से हो रही हैं। दरियाए रावी का पुल गुजरने के बाद अब हम लोग शादरा में एंटर हो चुके थे। इसी के साथ ही शादरा से आगे फिरोजावाला पर शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन को भी देखा, जिस पर से 28 डाउन शालीमार, 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस और 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस बरस्ता फैसलाबाद कराची जाती हैं। फिर इसके बाद जल्दी ही हम लोग काला शाकाकू इंटरचेंज पर पहुँचे। काला शाकाकू रेलवे स्टेशन पर मैं पहले ही रेल फैनिंग कर चुका हूँ, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगी। ये भी बहुत ही एक अच्छा रेलवे स्टेशन था, जहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ ट्रेन एक्शन देखने को मिलेंगे। खैर, इसी के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। काला शाकाकू इंटरचेंज के साथ ही मोटरवे का पुल मौजूद है, जहाँ से आप मोटरवे पर चढ़कर सियालकोट और दूसरी साइड से चढ़कर आप लोग इस्लामाबाद जा सकते हैं। बेसिकली ये मोटरवे M2 और M11 को अपने साथ जोड़ती है। ये एक बाईपास रोड है, जिससे आप बआसानी मोटरवे पर चढ़ सकते हैं। काला शाकाकू गांव को क्रॉस करने के बाद अब हम लोग मुरीद के गांव में एंटर हो चुके थे। मुरीद के भी एक छोटा सा गाँव है। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर भी मैं रेल फैनिंग कर चुका हूँ। इसका रेलवे स्टेशन भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर ट्रेनें बहुत तेज़ी से गुजरती हैं। इसी के साथ साथ मुरीद के को क्रॉस करने के बाद अब हम लोग साधु के पहुँच चुके थे। साधु के का रेलवे स्टेशन भी छोटा है, यहाँ पर भी मैं रेल फैनिंग कर चुका हूँ। अगर आप उसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ पर वीडियो मौजूद है। इसी के साथ तमाम छोटे गाँवों को क्रॉस करने के बाद अब हम लोग कामोके के पास पहुँच चुके थे। फिर इसी के साथ जल्दी हम लोगों ने मेन रोड को छोड़ा और मोड़ लेने के बाद जल्दी हम लोग कामों के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। कामों के एक इंतहाई छोटा शहर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला का ही हिस्सा है। इसका रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत था, जिसकी बिल्डिंग देखकर अच्छा लगा, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस की गई है, जिसकी वजह से इस रेलवे स्टेशन पर सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। इस रेलवे स्टेशन पर एक ही कंटीन मौजूद थी, जो कि फ़िलहाल बंद थी।
बंद होने की बड़ी वजह शायद यहाँ पर किसी ट्रेन का स्टॉप ना होना था, क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रेन रुकती थी जो कि थी बाबू पैसेंजर, और वो भी फिलहाल बंद पड़ी थी। और हर छोटे रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पर भी एक अबंडेंट बिल्डिंग मौजूद थी जो कि शायद कभी ऑपरेशनल हुआ करती थी। फिर इसके बाद हमारा पहला ट्रेन एक्शन हुआ जो कि था सुबह खराम रेल कार का। इसकी लीड पर GU20 लोकोमोटिव था। इस ज़बरदस्त ट्रेन एक्शन के बाद हम लोगों ने कामों के रेलवे स्टेशन को मज़ीद एक्सप्लोर किया, और ये देखकर ही बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के फूल पौधे और पेड़ मौजूद थे जिनको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इसी के साथ साथ शदीद कांटेदार झाड़ियों में मौजूद बत्ती गोदाम और स्टोर रूम की बिल्डिंग भी मौजूद थी जिसको अब किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इसी के साथ शाम का वक्त होने की वजह से लोग अपने बकरे वगैरह यहाँ पर ले आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक नहीं, क्योंकि ट्रेन की जद में अगर बकरा या कोई भी चीज़ आ जाए तो पाकिस्तान रेलवे इस चीज़ की जिम्मेदारी हरगिज़ नहीं लेता। कामों के रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए एक पुल भी मौजूद है जो कि लाइन को पैदल अबूर करने से कई लाख गुने बेहतर है। इस पुल पर से कामों के रेलवे स्टेशन के नज़ारे मज़ीद खूबसूरत हो चुके थे, और इसी के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी अब वाज़े कमी आ चुकी थी। इसी के साथ ही कामों के रेलवे स्टेशन पर इस पुल के बनने की तारीख और कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, और ये पुल वाकई ही बहुत पुराना है। इसी के साथ साथ कामों के रेलवे स्टेशन का टेलीफोन टावर भी बहुत ऊंचा है, जिसको देखते ही आपको ये पता लग जाता है कि आप कामों के रेलवे स्टेशन को अबूर कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे दूसरे एक्शन को टी डाउन अवाम एक्सप्रेस का टाइम हुआ, जिसकी लीड पर PH20 लोकोमोटिव था। फोर्टीन डाउन आवाम एक्सप्रेस ने कामों के रेलवे स्टेशन को बहुत ही अच्छी स्पीड में क्रॉस किया, जिसको देखकर अच्छा लगा। आवाम एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद मैंने कामों के रेलवे स्टेशन पर दो ही बहुत बड़े बड़े दरख्त देखे जो कि बिल्कुल आमने सामने बनाए गए हैं। ये दरख्त बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसी के साथ अब मगरिब का वक्त हो चुका था, और हम लोगों ने कामों के रेलवे स्टेशन पर से दो ही ट्रेनें रिकॉर्ड करी थीं, इस करके हम लोगों ने कामों के रेलवे स्टेशन पर नाइट रेल फैनिंग का सोचा। इसी दौरान दो रेल फैन से भी मुलाकात हुई जो ट्रेन को देखने का शदीद शौक़ रखते थे, और इसी के साथ 7UP तेज़गाम एक्सप्रेस को भी रिकॉर्ड किया जो कि आज बहुत लेट थी। इसकी लीड पर ZCU20 लोकोमोटिव था।
सेवन अप तेजगाम एक्सप्रेस के ज़बरदस्त ट्रेन एक्शन के बाद ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा और जल्दी फाइव अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी आ गई, जिसकी लीड पर GEU-20 लोकोमोटिव था। फाइव अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद मैंने कामों के रेलवे स्टेशन का टिकट घर भी देखा और यहाँ पर रेलवे की दी गई कुछ हदायात भी मौजूद थी और इस सब के बिल्कुल सामने ही टाइम टेबल और करायानामा भी तहरीर किया गया है। फिर थोड़ी ही देर बाद 107 अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस भी आ गई, जिसकी लीड पर GEU-20 लोकोमोटिव था। इस्लामाबाद एक्सप्रेस के गुजरने के तकरीबन 40 मिनट बाद 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी आ गई। ये हमारा आखिरी एक्शन था और इसकी लीड पर भी GEU-20 लोकोमोटिव था। सिक्स राउंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के इस खूबसूरत से ट्रेन एक्शन के बाद हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए। यहाँ पर रेल फाइनिंग करके बहुत ही मज़ा आया। इसी के दौरान वापसी पर हम जल्दी ही काला शाकाकू इंटरचेंज पर पहुँच गए। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम ट्रेन एक्शन और इसी के साथ साथ कामों के रेलवे स्टेशन पर रेल फाइनिंग का मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी किसी नए सफ़र नए जगह के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।